हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? आई विश यू ऑल फाइन। टुडे वी विल डू असेसमेंट वर्कशीट 1। स्टूडेंट, की असेसमेंट वर्कशीट क्या है? आपके मंथ में 2 असेसमेंट वर्कशीट आएंगी। ये फर्स्ट वर्कशीट है। आपने जितनी वर्कशीट की है उनका असेसमेंट होगा। तो अब तक आपने जो टॉपिक है अम्स एंड पैसेज कर लिया है, आपने डिटरमिनर्स किए हैं और इसके अलावा रिलेटिव प्रोनाउन किया है, तो उसी के ऊपर बेस्ड है हमारी असेसमेंट वर्कशीट है। सब्जेक्ट इंग्लिश की है ये, क्लास 10th के लिए, और ये हमें करनी है 26 जुलाई 2021। डार्कन द सर्कल अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शंस ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द पेंसिल और पेन। नीचे आपको जो है पैसेज दे रखा है, उसके क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसके ऊपर बेस्ड जो करेक्ट ऑप्शन है आपको उसको सर्कल को डार्क करना है पेन से, पेंसिल से। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वर्कशीट को। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस 1 to 5। पहले हम पैसेज को पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के आंसर देंगे। तो पैसेज ये है, एन इंटरेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन इज ऑब्जर्व इन ए हनी बी हाइव। जो हनी बी हाइव होता है, मधुमक्खियों का छत्ता होता है, उसमें आप बड़ी इंटरेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। ए कॉलोनी ऑफ सेवरल थाउजेंड बीज, उसमें कई थाउजेंड्स बीज होती हैं, बड़े परफेक्ट वे से, ऑर्गेनाइज्ड वे से वो रहती हैं। ओनली वन बी इन द कॉलोनी ले एग्स, सिर्फ एक ही बी उनमें से अंडे देती है। दिस बी इज कॉल्ड द क्वीन बी, उस बी को क्या बोलते हैं? क्वीन बी बोलते हैं। ऑल द अदर फीमेल बीज आर वर्क बीज, और जो बाकी फीमेल बीज होती है वो वर्कर्स बी होती हैं। देयर मेन जॉब इज टू बिल्ड द हाइव, उनका क्या मेन जॉब होता है? छत्ते को बनाना। लुक आफ्टर द यंग वंस को जो है देखभाल करना। एंड फीड द क्वीन बी एडिक्वेटली टू कीप हर हेल्दी, तो क्वीन बी को खाना खिलाना जिससे वो हेल्दी रहे, हेल्दी रहेगी तो, सो दैट सी कैन ले एग्स, जिससे वो एग्स देगी। ए क्वीन बी ले थाउजेंड्स ऑफ एग्स, ए क्वीन बी थाउजेंड्स ऑफ एग्स देती है। द फर्टिलाइज्ड एग्स हैच इन टू फीमेल्स, तो फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं उनसे फीमेल बी बनती हैं। वाइल द अनफर्टिलाइज्ड एग्स गिव राइज टू मेल, जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं उनसे मेल्स निकलते हैं, मेल बी, उनको हम ड्रोन बोलते हैं, कोल्ड ड्रोन्स। इट इज़ द जॉब ऑफ द वर्कर बी टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द हाइव एट अराउंड 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू इनकॉबरेट द एग्स। ये जो है वर्कर बी की ड्यूटी होती है कि वो हाइव का, छत्ते का जो टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड रखे, जिससे एग्स जो है वो हैच हो सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी हाइव इज इंटरेस्टिंग बिकॉज, एक बी हाइव जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है हमें, अद्भुत लगता है। क्यों लगता है? क्यों? क्योंकि हमारे स्टार्टिंग में ही था ऑर्गेनाइज्ड वे से वो होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इट इज़ ए कॉलोनी, ये कॉलोनी है इसलिए नहीं। इट हैज़ मैनी बी, जिसके अंदर काफ़ी बी है इसलिए। इट इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड, ये हमारा सही आंसर है। तो हमें सी को, सर्कल को डार्क भी करना है, सी आंसर इसका सही है। इट कंटेन्स हनी, ये हनी कंटेन करता है इसलिए इंटरेस्टिंग है, नहीं तो इसका सी ऑप्शन सही है, इट इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, एग्स इन द हाइव्स आर लेड बाई, एग्स कौन सी वो देती है? एक ही देती है ना, क्वीन बी, आपने अभी पढ़ा था। तो इसमें फर्स्ट है द सीनियर मोस्ट बी, नहीं सीनियर मोस्ट बी नहीं देती, फीमेल्स बी भी नहीं देती। क्वीन बटरफ्लाई, बटरफ्लाई तो हो ही नहीं सकता, यस डी सही है, द क्वीन बी। तो हमें डी वाले को डार्क करना है, इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, द मेन जॉब ऑफ द फीमेल बी इज, फीमेल बी का मेन जॉब क्या होता है? टू बिल्ड द हाइव, बिल्कुल सही है, हाइव को बनाना। टू लुक आफ्टर द यंग, ये भी सही, ठीक है, बच्चों की देखभाल करना। टू फीड द क्वीन, क्वीन को फीड कराना। टू कीप द क्वीन, क्वीन की देखभाल करना। तो ये तो सारे ऑप्शन ही सही हैं, इसका मतलब डी ऑप्शन आपका ये आना था, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ऑप्शन, चारों ऑप्शन सही दे दिए, तो इस क्वेश्चन में कुछ कमी है, फोर्थ वाला ऑप्शन आना था, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे ही ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन में थोड़ी आपको करेक्शन करनी है, इसमें लिखना है ऑल ऑफ द अबव। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ए ड्रोन ग्रोज इनटू, ए ड्रोन क्या होती है? मेल बी को ड्रोन में डेवलप होती है ना, तो इसका ए आंसर ही बिल्कुल सही है, ए मेल बी, ए मेल बी को क्या बोलते हैं? ड्रोन बोलते हैं। ड्रोन किस में डेवलप होता है? मेल बी में होता है। फिफ्थ देखिए, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज इनफ, इनफ क्या होता है? पर्याप्त होता है। तो इनफ का सिनोनिम जॉब है नहीं, फीड है नहीं, फीड तो खाना खिलाना होता है। एडिक्वेट बिल्कुल सही है, तो इसका सही ऑप्शन बिल्कुल सही है, एडिक्वेट, एडिक्वेट भी इनफ ही होता है, पर्याप्त होता है। इनक्यूबेट नहीं होता, हैच करने को इनक्यूबेट बोलते हैं।
तो फिफ्थ का सी आंसर है एडिक्वेट। ओके अब सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट डिटरमिनर्स एंड डार्कन द सर्कल अगेंस्ट इट। हमें करेक्ट डिटरमिनर को चूज करना है। डिटरमिनर आपको पता है नाउन से पहले आता है और नाउन को क्लियर करता है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, रवीना हैज़ ब्लैंक डाउट्स इन द चैप्टर सो सी विल बी बैक सून। रवीना के चैप्टर में काफ़ी डाउट्स है इसलिए वो वापस आएगी। अब डाउट्स क्या है, काउंटेबल नाउन है, 1, 2, 3 डाउट्स हो सकते हैं। तो उससे पहले ज़्यादा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मैनी और मच। अब जिसको काउंटेबल नाउन से पहले हम क्या यूज़ करेंगे, मैनी यूज़ करेंगे। तो इसमें देखिए ए में है एनी गलत, बी सम दे भी गलत, मच भी नहीं आएगा, मच अनकाउंटेबल नाउन से पहले आता है। तो इसका डी ऑप्शन सही है, मैनी। तो मैनी को हम डाउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज एन ट्रुथ इन व्हाट इज बीइंग सेड। जो कहा गया है उसमें जो है ट्रुथ नहीं है। तो ट्रुथ क्या है, हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम यूज़ करेंगे मच। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही है मच, तो ए आएगा इसमें मच, क्योंकि मच और मैनी दोनों यूज़ करते हैं, लेकिन मैनी काउंटेबल नाउन के लिए और मच जो है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। तो ट्रुथ क्या है, हम काउंट नहीं कर सकते ना, एक ट्रुथ टू दो ट्रुथ थ्री, तो ट्रुथ जो है अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसमें आएगा हमारा मच, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी एन भी नहीं आएगा और डी सम भी नहीं आएगा। अब एक क्वेश्चन देखिए, हैज़ बीन डन टू सेव ट्रीज इन द फॉरेस्ट। काफ़ी किया गया फॉरेस्ट में ट्रीज़ को बचाने के लिए। तो इसमें डन हैज़ बीन डन, मच हैज़ बीन डन, क्योंकि किसी चीज़ को इसमें हम काउंट करने को हम काउंट नहीं कर सकते कि एक किया दो किया, तो अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसमें भी आएगा हमारा सी ऑप्शन मच, मच बिल्कुल इसमें सही आएगा, जो कि सी ऑप्शन है। तो सी को हमें डार्क करना है। एनी भी नहीं आएगा, मैनी भी नहीं आएगा और सम भी नहीं आएगा। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड वन। चूज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन एंड डार्कन अगेंस्ट। रिलेटिव प्रोनाउन आपको पता ही है, जो बीच में आते हैं और जो रिलेट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, माई नेबर ब्लैंक रिमेन्स वेरी क्वाइट रियली हेल्प मी इन माई टाइम ऑफ नीड। मेरा नेबर जो कि चुप, रिमेन्स देखो इसमें, रिमेन्स क्या वर्ब है, वर्ब से पहले क्या आएगा, हमारा सब्जेक्ट आता है। तो माई नेबर पर्सन है, तो पर्सन के लिए हम कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं, हु। तो यहाँ पर हु जो है बिल्कुल सही होगा, ये हमारा ए ही ऑप्शन है हु। तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है, हुम नहीं आएगा क्योंकि सब्जेक्ट वाली पोजीशन खाली है हमारी। तो हुम नहीं, हुम ऑब्जेक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं, हुज भी नहीं आएगा, पसेसिव केस में यूज़ करते हैं, वेयर तो आ ही नहीं सकता, प्लेस के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसका सही आंसर है ए, हु। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, द फ्रूट ब्लैंक प्लक्ड वाज द मोस्ट जूसी एंड स्वीट। फ्रूट जो कि जो तोड़ा गया वो कैसा था, जूसी और स्वीट था। तो फ्रूट क्या है, थिंग है, थिंग के लिए हम कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं, विच। तो इसमें देखिए डी ऑप्शन में विच है, तो डी बिल्कुल सही है, डी को हम डार्क कर देंगे। वेयर नहीं होंगे, प्लेस के लिए यूज़ करते हैं हम, वैन टाइम के लिए यूज़ करते हैं जो कि नहीं है, और ह्यूमन बींग के लिए करते हैं, पीपल के लिए करते हैं। यहाँ पर क्या है, फ्रूट है, फ्रूट के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा यूज़ करते हैं, विच या दैट। तो इस डी ऑप्शन में विच है, तो जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये थी स्टूडेंट आज की असेसमेंट वर्कशीट, आपको समझ में आ गई होगी, बल्कि ये आपने खुद की होगी और सारे आंसर्स आपके सही होंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।